जिहड़ा राजा वड़िंग ने प्राइवेट सैक्टर उपर बसा उपर शिकंजा कसिया बहुत शलंघना योग कदम है, क्योंकि जदों दा आरटीओ और डीटीओ डिपार्टमेंट पंजाब चो लोप हो गया बहुत सारिया धांधलियां बहुत सारिया कमियां पैदा हो गई। स्कूलों के एक बड़ा वधिया एक फर्जी नवा चल पाया है कि जदों बच्चा स्कूल जाए तो बस स्कूल की, तो जदों कोई एक्सीडेंट हो स्कूल की बस नहीं। सकाई न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। गलबात करांगे जिहड़े राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जिन्होंने पंजाब की खुशहाली लई पंजाब रोड बसा भी जारी कीतियां ने अते पंजाब रोड नवीं बसा पाईयां ने अते नाल ही जिहड़ियां प्राइवेट बसा उपर शिकंजा कसदे होए पंजाब दी खुशहाली काम किए जा रहे, जिहड़े माफिया सी प्राइवेट जिहड़ियां कि अनेक ही बसा चलदियां बिना परमिट तो उन्हां उपर शिकंजा कस के पंजाब दा खजाना भरिया जा रहा। साडे नाल इस वेले मौजूद ने एंटी करप्शन सोसायटी के पंजाब प्रधान राजा रणवीर सिंह जी। गलबात करांगे जिहड़ा राजा जी जिहड़ा ट्रांसपोर्ट मंत्री अपने राजा वड़िंग ने जिहड़ा शिकंजा कसा रहा प्राइवेट व्हीकलों उपर गड्डियों उपर बसों उपर किस तरह देखते हो तुम? मैं राजा रणवीर सिंह सीनियर वाइस प्रेजिडेंट पंजाब एंटी करप्शन सोसायटी पंजाब। जिहड़ा राजा वड़िंग ने प्राइवेट सैक्टर उपर बसों उपर शिकंजा कसया बहुत शलंघना योग कदम है। उन्होंने एक मरे हुए डिपार्टमेंट नूं जीवित दिता, जीवन के नाल नाल उन्होंने होर बसा पा के एक नवी ही वागडोर फड़ ली और जो वो कि सलाना जो काम है। पर इस दे नाल एक गल होर बड़ी मद्देनज़र है, बहुत सारे टिप्पर ट्रक कारा बसा मोटरसाइकिल जिहड़े बिना नंबर प्लेटां दे सड़कां दे घूमदे आम दिखाई दिंदे हन। कल भी इस बारे असी एक खबर अखबार चलवाई सी जिहदी कि उन्होंने नज़र में नहीं पई किसी डिपार्टमेंट की, बट ये बड़ा दुखदाई गल है कि एक ही फिरके दी बसा नूं बार बार रोकया जा रहा है, उन्होंने उत्ते ही किया जा रहा है, जदों के इस दे बहुत सारे लोग होर भी जिम्मेवार हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट नूं थुक लाउण विच। और इस करके राजा वड़िंग जी नूं चाहीदा वा कि एक फिरके दी बसा नूं छड्ड के दूजे बन्ने भी जो घाटा पै रहा है रोडवेज डिपार्टमेंट के नाल नाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नूं पूरा किया जाए। राजा जी जिदा देखा जाए जिहड़े स्कूलों दी बसा चलदियां पईयां ने ये भी ट्रांसपोर्ट मंत्री का ही काम हों, ट्रांसपोर्ट विभाग का ही काम हों भी वेख्या जाए कि बसा सही है गलत ने। आम वेख जाता जी पिंड बसा स्कूलों लगिया ना, ना तो उपर उन्होंने वैसे तो सरकार की हदायत होंगी भी पीलिया बसा की जाए पूरा जरा बच्चों की सहूलत वास्ते कैमरे ज एक साइकिल होना चाहिए, लेकिन आम देखा जाता वा जो स्कूल के जोड़े है बंदे ने या स्कूल के जोड़े अपना नाल जुड़े ने वो बच्चे जी बसा वा ना तो उन्होंने को टायर सही होंगे ना ही बसा की जी हालत वो भी कंडम होंगी है की चाहिए वा ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इन्होंने वाल ध्यान देकर कुछ स्कूलों वाल देखा जाए। दीपा जी तुम्हें बड़ा वधिया एक टॉपिक लिया वा। सब तो पहली गल है कि पहला की तरह पंजाब आरटीओ और डीटीओ डिपार्टमेंट होने चाहिए आ, जो कि जिले वाइज अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इन्हों सैमीनार लाने और इन्हों स्कूलों के जो मौजूद ड्राइवर आ गड्डियां चलाने वाले उन्होंने बुला के समझा और स्कूलों को निर्देश देन भी कि सहूलत होगी बस से फिर ही बस रोड उपर चढ़ेगी, क्योंकि जो आरटीओ और डीटीओ डिपार्टमेंट पंजाब चो लोप हो गया बहुत सारिया धांधलियां बहुत सारिया कमियां पैदा हो गई। इस करके सब तो पहला तो आरटीओ डीटीओ डिपार्टमेंट चालू करना चाहिए है। बाकी स्कूलों के मुख अध्यापकों स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव टीमों इन्हों इस बारे सुचारू कदम चुकना चाहिए है। जो भी कोई हादसा होता है लेकिन सारे जिहड़ियां स्कूल के जो प्रिंसीपल या स्टाफ अपनी जिहड़ियां जिम्मेवारी तो भजदा नजर आता है वो कहते भी साढ़े च कोई रोल नहीं आ, मापे ही जो अपने ड्राइवर सांझ कॉल करके अपने बच्चों को भेजते हैं उस अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, तुम इन किस तरह देखते हो? मैं ये वेखदा कि स्कूलों के एक बड़ा वधिया एक फर्जी नवा चल पाया है कि जो बच्चा स्कूल जाए तो बस स्कूल की, तो जो कोई एक्सीडेंट हो स्कूल की बस नहीं। इस करके जिन्हिया भी बसा स्कूलों लाइया जा चलाइया जाूल के नाँ पर ही रजिस्टर्ड हो, अगर बाहरों प्राइवेट तौर पर कोई ड्राइवर कोई बसा मैं हायर की उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन स्कूल के नाँ पर ही सालाना की जाए और टैक्स स्कूल ही भरे। राजा जी जे टिप्पर चलते पे मिट्टी के अब देखा जाता भी जो ट्रैफिक विभाग वाले जो कर्मचारी खलोते होंगे ने उन्होंने मूँह चलाते जाते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कल टिप्पर नहीं वीर जी, अजक जिमें ई रिक्शे लोगों की सहूलत लिए बने से कि लोग सवारी एक थान तो दूजी थान जा सके, पर भी ढोआ ढोई का समान आम ही जाया जा रहा वा, कुड़के मोटरसाइकिल अग लगी हुई रेहड़ियाँ जिड़िया कि पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों मूँह चढ़ा के लागों लंघ जा। देखने में आया कि बहुत सारे मोटरसाइकिल जिहड़े रेहड़ियां नाल लगे हन उन्हां दा कोई सही तरीके नंबर भी नहीं पढ़िया जाता। इस करके सरकार नूं खास करके मौजूदा मंत्री जो कि पूरे इंट्रस्ट नाल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं राजा वड़िंग साहब नूं असीं दरखास्त करते हैं फरियाद करते हैं कि जिहड़े टिप्पर बसा आदि सड़क पर चल रहे हैं उन्हां ते जिहड़ा
उन्होंने पिछले पासे अगले पासे नंबर पूरे पढ़ने की हालत भी लिखे जाए और योग जो उन्होंने कार्रवाई बनती जेडे नहीं काम कर रहे चढ़ा रहे मूँह चढ़ा रहे हैं सड़क ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने बनती कार्रवाई की जाए। राजा जी जी ट्रालिया की गल की जो ट्रालियां होंगे ने जो किसानों को दी जाने वो चाहता भी जो अपना कोई जिनस लैके आनी आ सिर्फ उदों ही शहर में लैके आदि लेकिन ज़्यादातर वेख्या जाता वै ट्रालिया उत्ते समान लद के शहरों में ज सड़क उपर खुलेआम चलते रहते हैं तो ना ही उन्होंने उपर कोई रेडियम लगे होंगे ना कोई स्टिकर लगे होंगे जिसे करके कई हादसे वापरते हैं कि चाहिए सरकार को ये बारे ध्यान देना चाहिए। जिवें धुंद का मौसम चल रहा है या अगों पिछों भी सरकार को ध्यान देना चाहिए है क्योंकि जो ट्राली है जट का गड्ढा कहा जाता है और इस गड्ढे का मतलब यह नहीं है कि वो उपर आप रिफ्लैक्टर नहीं ला सकते उ रिफ्लैक्टर सरकार को लवाने चाहिए हैं किसान वीर जिहड़े भी वीर ट्राली ट्रैक्टर वरतते हैं उन्होंने अपनी निजी एक गल समझदे हो लोगों के हित में वो अगले बन्ने रिफ्लैक्टर ला लेने चाहिए हैं ताकि आने वाले हादसों तो बचा हो सके। साढ़े नाल मौजूद ने जिहड़े छोटा हाथी जिन्हों आप कहने 407 गड्डी दे मालक असी गलबात करांगे सर की कहना चाहोगे जिहड़े आम जिहड़े वेख्या जाए तो ई रिक्शे चल पे ने तुहाडा कारोबार ते किन्ना असर पैंदा पिआ? साडा जिथे असीं 4000 रुपये टैक्स देने छोटे हाथी का हुण असीं टैक्स दे रहे 8000 रुपया असीं वेले खलो के सवेर तो लैके शाम तक घर चल जाने हैं। मोटरसाइकिल 10000 रुपये का लैके उहदे मगर 10000 की रेहड़ी लवा के तो वह साडा ढोआ ढवाई का कारोबार उन्हें खत्म कर दिता। असीं ट्रांसपोर्ट मंत्री नूं कहना चाहुंदे आ अकड़ के नहीं तैन देखते तैन जोड़ा ई रिक्शा नहीं देखता है मोटरसाइकिल रेहड़ी रोडा से भजा रहे सारे पंजाब विच राजा विड़िंग नूं यह बंद करनी चाहिए तुरंत बंद करनी चाहिए ने तो छोटे हाथी जोड़े टैक्स आ पिछले माफ़ कर किए जाए तो गांह अद्धे टैक्स लाई जाए अगर हूँ 8000 रुपये दे रहे हैं तो सरकार तो मंग करते 4000 रुपये गांह तो टैक्स लाने तो पिछले जो टैक्स आ वह बंद कर जिहड़े चलते ने मोटरसाइकिल रिक्शे बने ने कि लगता वा सरकार को इन्हां पर ध्यान देना चाहिए जो रिक्शे बने मैं तो लगता कोई कागज पत्र भी है नहीं ये सारे पुलिस की मिली भुगतना चलते है जिहड़े ई रिक्शे चलते है मोटरसाइकिल रेहड़ी चलते ये सारे पंजाब सरकार की मिली भुगतना चलते है। परिवार का फिर गुजारा अपना किस तरह चलता है? पंजाब परिवार का गुजारा बहुत औखा होंदा सरकार साढ़े बारे सोचती नहीं असी सवेर तो लगे शाम तक वेले बैठ के घर चल जाने जी। की कहना चाहोगे तुम एक अपना नाम दसो? बलकार सिंह जी। बलकार सिंह जी तुम की काम करते हो? असं छोटा हाथी चलाते हैं जी। कि दिक्कत आती है जो छोटा हाथी तो किस्त वगैरह भी बैंक दी देनी होनी है? देखो जी दो तीन तीन लाख रुपया तो करजाई है कुछ लाख दो लाख रुपया अं पहलों देता जो नव गड्डी मतलब कि असं लैके आई दी आ उस तो बाद मतलब कि साड़ी जी किस्त 11-12 हज़ार किस्त बजती है कंपनी वालों जी बजती है उसके साढ़े कई वीर भरा जिन्हों दिया किस्तों तो गड्डिया जीडिया मतलब कि कंपनिया लै गए आ तो वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। हुण जिहड़ा मतलब कि हुण दा भी जिहड़ा हुण पहले 3000 टैक्स ही सरकार लैंदी हुण 8000 तक टैक्स है जिहड़ी हुण साल दी लैंदी आ फिर जिहड़ी इंश्योरेंस आ बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी आ पहलां 5-6 हज़ार 7000 इंश्योरेंस सरां नूं बेनती करदे आ भी उहनां वाले ध्यान देण और इहनां जिहड़ियां चोरी दे जां जिहड़े बणा के अपना जगाड़ू साधन जां घड़ुक्के जिहड़े आ इहनां नूं तुरंत जिहड़ा बंद कीता जाए फिर साडा कोई ना कोई कोई साडे परिवार दा जां साडे घर दा जिहड़ा गुजारा चल सकदा। तुसीं अपना कोई व्हीकल लैके जांदे हो सड़क उप्पर जांदे हो तुहानूं ट्रैफिक इंच जो विभाग के कर्मचारी डकते हैं कोई कागज पत्र पूछते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी वो सू कागज पत्र तो बगैर का तुम्हें पता इतों शहर तो बाहर भी निकल देंगे जी दूजे ई रिक्शे चलते उन्हों का कोई कोई पूछता नहीं जी वो तो सिरे सगों माया अगले टीचर करके जाते कोई उन्होंने रोकता भी नहीं असं कई बार प्रशासन को पता नहीं अदालत तक हाई कोर्ट तक भी रटा पाई हुई पर सा सुनवाई नहीं हुई अजे तक। राजा जी की कहना चाहोगे जो ई रिक्शा चलते पे ने ज़्यादातर वेखा जाए कहते लोग कहते हैं कहना वा भी जो दो नंबर चलते पे ने चोरीदारी चलती जाए क्योंकि वैसे ना तो कागज पत्र आ ना ही कोई अगर कोई अनसिखावी घटना वापरती है तो जिम्मेवार ट्रैफिक विभाग ज कौन खरीदना चाहूगा? बड़ा वड्डा मुद्दा लिया वीर ने पहली गल तो जिवें कोविड के दौरान तकरीबन कारोबार बंद रहे ये बेचारे छोटे हाथी वाले की जिहड़े भी इस तरह छोटी कैटागरी के बंदे अपने बच्चे पाल रहे थे सरकार पूरा टैक्स पूरा कुछ दे के भी अपने बच्चे नहीं पालने पा रहे और इन्हों इस नजात चो कढ़ना चाहिए है और इन्हों का जो टैक्स है वो अदा करना चाहिए है तो जो पिछला टैक्स वो माफ़ करना चाहिए है और इस ही जो ई रिक्शा का मुद्दा किया बहुत वड्डा मुद्दा है कल नूं रब ना करे किसी का बच्चा अगवा हो जाता या किसी सट लग जाती है ई रिक्शे वाला भजा के लिया जाता वो आप किस तरह ट्रेस करांगे एक बड़ा वड्डा मुद्दा है इस करके ट्रैफिक विभाग में प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए है ताकि ई रिक्शे पंजाब खास करके साडे जिले चल रहे इन्हां दे उत्ते थोड़ी
सख्ती की जानी चाहिए है, इन्हों की इनरोलमेंट होनी चाहिए है, ज्यादा कि सीधा सीधा कॉन्टैक्ट डीसी दफ्तर ना होना चाहिए। शुक्रिया जी। तो इस जी राजा रणवीर सिंह जेहड़े एंटी करप्शन सोसायटी के सीनियर मीत प्रधान के नाल ही जेहड़े छोटे हाथी जिन्होंने 407 कहा जाता वा वो जे ड्राइवर ने जिन्हों का कहना वा भी साडा जेहड़ा घर का जेहड़ा गुजारा वा वो बड़ी मुश्किल चलता वा, क्योंकि ई रिक्शा जिहड़ा इन्हां ने अपने सरकार नूं टैक्स दे के अते किस्तां तारदे पए ने गौरमेंट दीआं, लेकिन जिहड़े ई रिक्शे आउण करके इन्हां दीआं इक ते किस्तां टुट्टियां पईआं ने, इक सरकार नूं जिहड़ा इह दिंदे पए टैक्स उह वी इन्हां नूं घटाउणा चाहीदा वा। ट्रैफिक पुलिस की गल की जाए ट्रैफिक पुलिस के लागू ही मूँह चलाते घड़ुके लंघते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राजा वड़िंग बेनती की गई है नाल इन वालों भी जेडे तरन तारण जिले लैवल से डी टी ओ दफ्तर जैसे ट्रांसपोर्ट कोई अधिकारी बिठाया जाए ता जो इन वाल जो ध्यान जा सके, शिकंजा कसा जा सके। हुण देखना यह होएगा पंजाब का ट्रांसपोर्ट मंत्री आ जां इत्थों दे अधिकारी आ की डिसीजन लेंदे आ की शिकंजा कसदे आ, ये तो आना समय दसेगा। फिलहाल कुलदीप सिंह दीपा, स्काई न्यूज़ पंजाब, तरन तारण।